एरिका फर्नांडिस ने अपनी नॉन वेज लाइफस्टाइल को छोड़कर वेजिटेरियन लाइफस्टाइल अपना ली है और उसके पीछे उनके कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी और चलिए बात करते हैं एरिका फर्नांडिस के इस माइंड चेंज के बारे में। दरअसल एरिका फर्नांडिस ये कह रही हैं कि उन्होंने किसी शो ऑफ के लिए या किसी को दिखाने के लिए वेजिटेरियन लाइफस्टाइल अडॉप्ट नहीं की है। उन्होंने ये किया है देखते हुए कि किस तरीके से जानवरों पर अत्याचार होता है उनकी लाइफस्टाइल को पूरा करने के लिए। दरअसल एरिका फर्नांडिस एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हैं जहां पर नॉनवेज जो है रेगुलरली कंज्यूम किया जाता है, रेगुलरली खाया जाता है, और एरिका ने हमेशा से नॉनवेज कंज्यूम किया है। हमेशा से लेदर के कपड़े और लेदर के सामान जो है वो लेती रही हैं, जिसके बाद एरिका ये बोलती हुई नजर आ रही है कि अभी तक मेरे पास जो भी लेदर का सामान था या जो भी लेदर के कपड़े थे वो है, उसके आगे मैं कुछ भी ऐसा नहीं लेने वाली हूँ जो एनिमल से लिया जाता हो, एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाता हो। और नॉन वेज छोड़ने पर भी वो ये कह रही हैं कि इट वाज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर मी क्योंकि मैंने हमेशा से नॉन वेज खाया है। सोसाइटी में नॉन वेज खाना इज वेरी नॉर्मल, लेकिन जब आप देखते हैं कि वो नॉन वेज बनने के लिए एनिमल्स पर कितना अत्याचार किया जाता है, एनिमल्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तब आपका खुद का दिल नहीं करता है कि आप नॉन वेज खाएं। वेजिटेरियन लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, मेरा एक थेरेपी जो मैं ले रही थी, एक लर्निंग सेशन में गई थी, वहां पर मैंने देखा था जिस तरीके से एनिमल्स पे अत्याचार होते हैं। उसके बाद अचानक मेरा मन बदल गया था और ओवरनाइट मैंने ये डिसीजन लिया दैट आई एम टर्निंग वेजिटेरियन। तो भाई ये कोई बहुत लंबा प्रोसेस जो नहीं था फॉर एरिका टू लीव ऑल द नॉन वेज फूड एंड द थिंग्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स। उनके मन का बदलाव हुआ था बस एक रात के अंदर, जब उनको रियलाइज हुआ था कि एनिमल्स से ये सारा सामान लेने के लिए जो ह्यूमन नीड्स को पूरा करता है उसके लिए कितना सारा अत्याचार होता है उन पर। खैर, एरिका ने लिया है काफी अच्छा डिसीजन एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ हर। एरिका के इस डिसीजन के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरह आप तक हमेशा पहुंचाते रहेंगे।